अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। घंटे का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SBT 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय के हिमकोलिन जेल के बारे में, कि इसके प्रयोग से आपको कितना लाभ मिलेगा और किस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे आजकल वीडियोज़ चल रहे हैं जिनमें बताया जाता है कि किस तरह से आप प्रयोग करें तो इससे आपको इतना लाभ मिलेगा, लेकिन वो सब सच नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं और किस तरह से प्रयोग करें जिससे आपको बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों जो हिमालय का हिमकोलिन जेल होता है, ये जेल फॉर्म में आता है और इसका जो प्रयोग करना है आपको एक समय करना है, केवल रात में प्रयोग करना है। और इसे आप थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक मालिश कीजिए। और ये जो प्रयोग करना है आपको लगभग एक महीने तक करना है। यदि आपके लिंग में ढीलापन है या फिर और भी कोई आपको प्रॉब्लम है अपने लिंग को लेके, इरेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साथ में आपको कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। तो इसके साथ में आपको डाबर का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का प्रयोग करना है, प्लस आपको हिमालय का कानफीडो टैबलेट का प्रयोग करना है और टेंटेक्स फोर्ट का प्रयोग करना है। तो हिमालय का कानफीडो और टेंटेक्स फोर्ट टैबलेट है, इसका आपको दोनों टाइम प्रयोग करना है सुबह शाम में। और जो डाबर का शिलाजीत गोल्ड है इसका प्रयोग आपको केवल एक टाइम रात में करना है। दोस्तों अगर आप इन सब दवाओं का एक साथ में प्रयोग करते हैं तो आपको बेटर रिस्पांस मिलेगा, लेकिन अगर आप केवल हिमालय का हिमकोलिन जेल का प्रयोग करते हैं तो उससे आपको बेटर रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना काम नहीं कर पाता है। उसका यूज केवल एक्सटर्नल होता है, यानी बाहरी तो बाहरी स्किन पे आपके केवल लगाना होता है, तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता है। अगर आप कोई खाने वाला दवा नहीं खाते हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हिमकोलिन जेल का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में आप इन सारी दवाओं का प्रयोग करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। वैसे तो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनमें बताया जाता है कि अगर आप इस दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अगर आप इसके साथ में जो भी दवाएँ कैप्सूल हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो ढीलापन है वो दूर नहीं हो पाएगा। दोस्तों ढीलापन का जो कारण होता है वो कई कारण होते हैं, जैसे हस्तमैथुन हो गया या फिर और भी जितने सारे रीजन्स हैं उनके कारण ऐसा होता है, या फिर जो लोग ज़्यादा वाइन्स का प्रयोग करते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं उस कारण भी उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो अगर हिमालय के हिमकोलिन जेल के साथ में डाबर का शिलाजीत गोल्ड, टेंटेक्स फोर्ट या फिर और भी जितने सारे टैबलेट्स हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं तो उनको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा और जल्दी से जल्दी उनका जो डिसीज है वो रिकवर होगा। दोस्तों और आपसे इसका जो प्राइस है वो प्राइस लगभग 110 रुपये के करीब है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा। प्रेजेंट टाइम में जो प्राइस चल रहा है वो कंफर्म नहीं है मैं कि कितना प्राइस है, आप मेडिकल स्टोर पे जाके इसे देख सकते हैं हिमालय के हिमकोलिन जेल की कितने रुपये में आपको मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में। और यदि आपको हिमकोलिन जेल को लेकर कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। दोस्तों और बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट इसका जो है साइड इफेक्ट इसका कुछ नहीं है, क्योंकि इसका जो यूज करना है आपको एक्सटर्नल यूज करना है और ये आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक दवा होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसका प्रयोग एक महीने तक कर सकते हैं या एक महीने से ज़्यादा तक प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका मालिश करना है आपको 10 मिनट तक करना है, और 10 मिनट और हल्के हाथों से इसका मालिश करना है आपको, यानी हल्के हाथों से लगाना है, ज़्यादा आपको ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है, और हल्के हाथों से 10 मिनट तक मालिश कीजिए जिससे आपको बेटर रिस्पांस मिल सके। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप इन सब दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे डाबर का शिलाजीत गोल्ड हो गया, कानफ्यूडो हो गया, टेंटेक्स फोर्ट हो गया, इनका अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।